तो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राहुल स्वर्णा जी एस पे। तो गाइज, आप सभी को पता होगा कि पटना में 5 से 6 दिनों से आपकी कोचिंग सारी बंद है। एएलपी वैकेंसी को लेके जो प्रोटेस्ट हो रहा था, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो है ना पिटाई की गई है। जेल में किसी को लेके जाया जा रहा है, किसी किसी सर का जो है आपका चैनल भी ब्लॉक कर दिया जा रहा है, किसी न्यूज़ वाले का भी वीडियो ब्लॉक कर दिया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। एंड एएलपी की जो वैकेंसी है उसको इंक्रीज के मामले में आप सभी को पता होगा कि ट्विटर पे आंदोलन भी हो रहा था, और यहाँ पे पटना में फिजिकल प्रोटेस्ट भी हो रहा था, और जो इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहा है उसके चैनल को, उसके वीडियो को भी ब्लॉक कर दिया जा रहा है। तो गाइज, आप लोग जो है ना 2024 में सोच समझ के ही वोट कीजिएगा। ये सारी जो चीज़ें हो रही है, इंसान अपने हक की जो है ना लड़ाई भी नहीं लड़ सकता है। सोचिए कि यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए जो है ना स्टूडेंट के साथ कितना अन्याय हो रहा है, और यहाँ पे तो मतलब सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा स्थिति खराब हो चुकी है। और हर बार जो है आपके ये सारी चीज़ें हम लोग को झेलनी पड़ती है, सरकार के खिलाफ जो है आवाज़ उठानी पड़ती है कि भाई वैकेंसी को लेके आप कम वैकेंसी दिए हैं तो इसको इंक्रीज कीजिए। मतलब 5 साल में ये लोग वैकेंसी देगा, 2019 से 2024 आ गया, 5 साल में 5,000 वैकेंसी देंगे, उसके बाद उसके लिए हक के लिए स्टूडेंट्स आवाज़ उठाए तो उसके आवाज़ों को भी दबाया जा रहा है। और कुछ पत्रकार बोल रहे हैं क्या कि टीचर स्टूडेंट्स को उग्र कर दे रहा है फिजिकल प्रोटेस्ट के लिए। तो गाइस, टीचर ऐसा क्यों करेंगे, छात्रों को उग्र क्यों करेंगे? कि छात्रों को भी इतनी समझ है कि हमको क्या करना है, टीचर के इशारे पे ऐसा वो नहीं करते हैं, उनको भी समझदारी है कि हमको क्या करना है। और वो ग्रेजुएट हो चुके हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको तो इतना नॉलेज है ना कि हम अपने हक की आवाज़ उठाएं। किसी के कहने से, किसी के बोलने से कोई छात्र जो है आपका उग्र नहीं होता। ये सारी चीज़ें उसको समझ में आती है कि 5 साल में वैकेंसी आ रही है 5,000, तो हमको अपने हक के लिए 5,000 में हम क्या ही करेंगे, पूरा ऑल इंडिया से कितना लाखों करोड़ों में फॉर्म गिरेगा तो मेरी स्थिति क्या होगी। तो जो ऐसे नेता के साथ मिल के ये सारे कारनामे करवा रहे हैं और ये सारी बयानबाजी कर रहे हैं, तो ये चीज़ बहुत गलत है। हमको मतलब जिस इंसान को आदमी समझा नहीं होगा कि बहुत अच्छा शरीफ, वो ऐसे आज बोल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना कहीं बहुत ही गलत हो रही है हमारे समाज में। और आप लोग भी संभल जाइएगा, ये जो रेलवे का नोटिफिकेशन है कि हम पीटी इस टाइम पे लेंगे, मेंस इस टाइम पे लेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ झांसा है गाइज। वहीं आपकी 1,000-2,000 वैकेंसी हर साल दी जाएगी, क्या ही कीजिएगा। और ये आप सभी को पता होगा कि इतनी जो रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं, 5 साल में 4 बार आपको रेल दुर्घटनाएं देखने को मिली। मतलब कि सोचिए कि एक जो आपका एएलपी ड्राइवर होता है उसको ओवर ड्यूटी करनी पड़ती है, और फिर भी ये लोग चाह रहे हैं ना कि 4 जगह जहाँ पे आदमी की ज़रूरत है वहाँ पे 1 जगह आदमी से काम ये लोग चला रहा है। सारी चीज़ों को धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है पीपीपी मॉडल लागू करके, और ये एहसास भी नहीं होने दिया जा रहा है कि पीपीपी मॉडल लागू भी हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये सारी चीज़ें हो रही है। वैकेंसी ऐसे ही आएगी, बस बस आपको वैकेंसी का झांसा दिया जाएगा कि हर साल, अभी रेलवे क्लियर किया कि हम हर साल हम वैकेंसी देंगे कुछ ना कुछ, लेकिन वहीं आपको देखने की मिलेगी वहीं 1,000 से 1,500। अभी तो सोचिए कि 5 साल में जब 5,000 वैकेंसी आई है, और टेक्नीशियन की अभी इतना ट्वीट करने के बावजूद आपकी 9,000 वैकेंसी दी गई है, तो सोचिए कि अभी तक मतलब कितने सारे स्टूडेंट्स पटना में पिट चुके हैं, जेल में बंद है, पत्रकार लोग की हालत ख़राब है, और कुछ पत्रकार इस पे बयानबाजी कर रहे हैं, और जो इस पे वीडियो बना रहा है तो उसको भी ब्लॉक कर दिया जा रहा है गाइस। तो ये चीज़ सारी चीज़ें आपको समझनी होगी, क्योंकि एक दिन का मामला नहीं है, हमेशा के लिए ही आपको सोचना है रोज़गार के लिए। आपकी देश में बढ़ती बेरोजगारी पे तो आपको सोचना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो ठीक है आप सही काम कर रहे हैं, लेकिन कम से कम बेरोजगार युवाओं की तो बात सुनिए। ठीक है, आप लोग ऐसे मतलब अपने देश के लोगों के साथ ऐसे इतना बुरा बिहेव कर रहे हो, वो तो अंग्रेज हमारे चले गए, उतना भी है बुरा अपने भारतीयों के साथ आप लोग कर रहे हो। मतलब कि एक देख रहे थे लड़का को पूरा घसीटते हुए, लग रहा है कि वो कोई आतंकवादी है, उसको घसीटते हुए पुलिस वाला ले जा रहा है। तो ये कहाँ तक चीज़ें गलत है, क्योंकि कोई आतंकवादी नहीं है यहाँ पे, सारे स्टूडेंट्स ही अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही गलत है, आप लोग को सोचना पड़ेगा। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें जो है आप लोग को क्लियर हो गई होगी। तो गाइज, हमारी निवेदन है आपसे कि आप लोग सोच समझ के जो है ना वोट कीजिएगा 2024 में, क्योंकि युवा हर बार ये सारी चीज़ें नहीं झेल सकता है,
ये सारी परेशानी नहीं झेल सकता है, हर बार अपने हक के लिए आवाज उठाओ। पिछला बार एनटीपीसी में भी यही हाल हुआ था, ग्रुप डी में भी यही हाल हुआ था, अभी भी यही सारी चीजें हो रही है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।